आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार के बारे में। इस रेडार को लेकर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं और आप में से ज्यादातर लोगों को ये आइडिया होगा कि उत्तम एक स्केलेबल रेडार है जिसको स्केल अप या डाउन करके हर तरीके के फाइटर जेट में यूज किया जा सकता है। आप सभी को ये फोटोग्राफ याद होगी और आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोग ये चीज जानते हैं कि स्क्रीन पर दिखाया जाने वाला रेडार उत्तम का बेसलाइन वर्जन है और इस बेसलाइन वर्जन में 700 से ज्यादा DR मॉड्यूल्स हैं। इनिशियली माना जा रहा था कि यही रेडार LCA तेजस मार्क 1A के ऊपर जाने वाला है, लेकिन जितनी तेजी से DRDO की तरफ से रेडार टेक्नोलॉजी को मास्टर किया गया है उस चीज को ध्यान में रखते हुए LCA तेजस मार्क 1A के ऊपर ही 900 से भी ज्यादा TR मॉड्यूल वाला एक रेडार जाने वाला है। यानी कि इनिशियली जो चीज स्पेकुलेट की जा रही थी LCA तेजस मार्क 2 के लिए वो बेसिकली LCA तेजस मार्क 1A में ही आने वाला है। देखिए, किसी भी रेडार की मैक्सिमम रेंज मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है और इन मल्टीपल फैक्टर्स में से एक फैक्टर नंबर ऑफ TR मॉड्यूल्स भी है। और ज्यादा नंबर में जब TR मॉड्यूल किसी रेडार में होते हैं तो वो रेडार ना ही केवल ज्यादा दूर तक देख पाता है बल्कि वो ज्यादा स्टेल्दी टारगेट्स को भी डिटेक्ट कर पाता है। इसीलिए हमेशा कोशिश की जाती है कि जितना स्पेस आपके पास में अवेलेबल है उसमें ज्यादा से ज्यादा TR मॉड्यूल्स को ऐड किया जाए, लेकिन चैलेंज आता है कूलिंग सिस्टम्स को लेकर। देखिए, जब भी बात की जाती है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार की तो इनके साथ में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है कूलिंग सिस्टम्स। अगर कोई देश इसके कूलिंग सिस्टम को मास्टर कर लेता है तो उसके बाद रेडार को स्केल अप या डाउन करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और अगर आपने कूलिंग सिस्टम पर महारत हासिल कर ली है तो आप कम से कम जगह पर ज्यादा से ज्यादा TR मॉड्यूल्स को ऐड कर सकते हैं। यानी कि छोटे नोज कोन के साथ में आप ज्यादा लंबी दूरी और बेहतर रेजोल्यूशन के साथ में अपने टारगेट को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर LCA तेजस मार्क 1A की बात की जाए तो इनिशियली प्लान किया जा रहा था कि बेसलाइन उत्तम AESA रेडार इस एयरक्राफ्ट के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा और इस बेसलाइन रेडार में लगभग 780 TR मॉड्यूल्स होंगे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरीके की मास्टरी DRDO की तरफ से हासिल की गई है उसके चलते अब उसी नोज कोन के अंदर 900 से भी ज्यादा TR मॉड्यूल्स ऐड किए जा सकेंगे। साथ ही साथ ये रेडार 6 L बैंड मॉड्यूल्स के साथ में भी आएगा जिनको आइडेंटिफाइंग फ्रेंड एंड फो और लो बैंड स्कैन के लिए यूज किया जा सकेगा। आप सभी को पता होगा रशियन SU-57 में L बैंड मॉड्यूल्स को विंग के ऊपर लगाया गया है और उत्तम AESA में ये जो L बैंड मॉड्यूल्स लगाए गए हैं वो बेसिकली उसी तरीके का फंक्शन प्रोवाइड करेंगे। SU-57 में क्लेम किया जाता है कि यही मॉड्यूल्स स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने में भी मदद कर सकते हैं। यानी कि उस लॉजिक के हिसाब से LCA तेजस मार्क 1A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को भी डिटेक्ट करने में सक्षम होगा और इन टोटल 968 क्लोजली पैक्ड TR मॉड्यूल्स के साथ में ये सिस्टम लगभग उसी तरीके की क्षमता प्रदान करने में सक्षम होगा जैसा कि F-21 के साथ में ऑफर की जा रही थी। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनिशियली माना जा रहा था कि ये रेडार LCA तेजस मार्क 2 के ऊपर जाएगा, लेकिन अब इस चीज को लेकर कंफर्मेशन मिल चुकी है कि ये LCA तेजस मार्क 1A के ऊपर जा रहा है। और केवल इतना ही नहीं, एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से इस रेडार की पहली यूनिट बनाकर DRDO को डिलीवर कर दी गई है और इस यूनिट को एक LCA तेजस मार्क 1 के ऊपर इंटीग्रेट करके इस समय टेस्टिंग की जा रही है। यानी कि ये इवेल्युएट करने की कोशिश की जा रही है कि इसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से आने वाली है। पहला, जिस तेजी से DRDO की तरफ से इस टेक्नोलॉजी को मास्टर किया गया है वो सच में कमेंडेबल है। और दूसरा, DRDO की तरफ से टेक्नोलॉजी सप्लाई करने के बाद में जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग की है वो भी एक काफी इम्प्रेसिव डेवलपमेंट है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव है वो है वर्जन। अभी ये रेडार LCA तेजस मार्क 1A के ऊपर जा रहा है और इमेजिन कीजिए अगर LCA तेजस मार्क 1 का ही रेडार F-21 के रेडार जितना पावरफुल होने वाला है तो LCA तेजस मार्क 2 का रेडार कितना केपेबल होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।